फजर की नमाज पढ़ के निकला शहर के लिए, वापस आ रहा था तो मुझे एक रेड़ी वाला नजर आया दूर से, सफेद दाढ़ी सफेद पगड़ी। आमतौर पर रेड़ी वाले बेचारे दीन के भी गाफिल होते हैं, दुनिया के भी गाफिल होते हैं, तो मुझे वो बड़े अच्छे लगे दूर से। तो जब मैं उनके करीब से गुजरा तो मैंने उनको यूं देखा मोहब्बत से, तो उनकी आंखों में ऐसे आंसू आ रहे थे ऐसे, और जो उनके पास उनको उनके रेड़ी पर एक रखी हुई थी पेटी, उस पर ऐसे हाथ रखा हुआ था, एक हाथ यूं रखा हुआ था, और ऐसे खामोश आंसू थे जो अर्श को भी हिला रहे थे। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा बुजुर्गो क्या बात। तो कुछ बोला नहीं, उसने पेटी मेरे सामने यूं उल्टा दी, तो उसकी जो ऊपर की लेयर थी उसमें 10-15 सेब ठीक थे, नीचे सारे सेब अध गले थे। तो मैं बड़ों का गिला क्या करूं, ये पेटी लगाने वाला कोई एमपीए नहीं था, ये पेटी लगाने वाला कोई डीसीओ नहीं था, एक मजदूर था जिसने एक गरीब की रोजी छीन ली। तो मैं क्या बताऊं, वो मुत्थर उस समझ से कहा, कोई उर्दू स्पीकिंग लगता था, उसकी उर्दू बड़ी खूबसूरत थी, कहने का बेटा मैं बहुत गरीब हूं, मैंने ये किस्सा हजारों दफा सुनाया और मेरे सामने चेहरा था मैं रोने लगता हूं, हालांकि बार बार सुना के तासर खत्म हो जाता है। उसने जो लफ्ज बहुत पे जोर दिया ना, वो मेरे अंदर खंजर की तरह आज भी चुभा हुआ, बेटा मैं बहुत गरीब, मैं मंडी से एक पेटी लाता हूं असर तक बिक जाती है, शाम को अपने बच्चों के लिए ताजा रोटी लेकर जाता हूं, आज किसी ने मेरे बच्चों की रोटी मुझसे छीन ली। इस मुल्क को अमेरिका की दुश्मनी की क्या जरूरत, ये तो खुद अपने दुश्मन है। उबैद रहमतुल्लाह अलैह सुन, ताजर हैं कपड़े के रेशमी, खालिस ना खालिस, ना खालिस्तान 200 का, खालिस 400 का। बच्चे को दुकान पर बैठा के बाहर गए, वापस आए तो एक आदमी थान बगल में दबाए हुए नीचे उतर रहा, ना खालिस रेशम, भाई कितने में खरीदा, कहा जी 400 में, 400 भाई आपने महंगा खरीदा है, 400 का नहीं है, कहा जी कोई बात नहीं मेरे इलाके में 500 का बिकेगा, 100 दिरहम नफा है, कहा भाई तू इस पर 300 कमा सकता है, कहा वो कैसे, इधर आओ, उसको दुकान पे ले गए, कहा बेटा ये जानबूझ के तुमने पैसे मांगे या भूल गए थे, कहा नहीं अब्बा मैंने मांगे उसने दे दिए, कहा तुझे शर्म ना आई मुसलमान को लूटते हुए, जबकि 200 में भी हमें नफा था।